हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 2। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल डिजाइन ऑफ रेलवे ट्रैक के पार्ट 2 में। मतलब कि अब तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी रेल ट्रैक को किसी दो लोकेशन के बीच में अगर हम लोग को उसका अलाइनमेंट फिक्स करना है तो उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उसको अफेक्ट करते हैं। तो जो रेलवे ट्रैक के जो अलाइनमेंट है वो जो दो टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में जो आपका पहला जो टर्म है वो है रेडियस और डिग्री ऑफ कर्व। इन इंडिया कर्व इज डेजिग्नेटेड बाय द डिग्री ऑफ कर्व। मतलब कि रेलवे में जो भी है हम लोग जो कर्व प्रोवाइड करेंगे किसी भी रेल ट्रैक के अलाइनमेंट में, तो कर्व को जो हम लोग डेजिग्नेट करेंगे वो रेडियस से नहीं डिग्री ऑफ कर्व से करेंगे। मतलब कि किसी भी रेल ट्रैक में जो आपका रेडियस है वो उसके साथ साथ हम लोग उसके डिग्री ऑफ कर्व को भी कंसिडर करेंगे। तो डिग्री ऑफ कर्व होता क्या है? डिग्री ऑफ कर्व इज़ डिफाइंड एज ए एंगल सबस्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ कर्व बाई वन चेन लेंथ, चेन आर्क लेंथ या और कॉर्ड लेंथ। मतलब कि कोई भी कर्व है, इस तरह कर्व है, तो उसका अगर एक चेन लेंथ का जो डिस्टेंस है वो आपके सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ कर्व, ठीक है। तो वन चेन लेंथ वो आपका है वो आर्क लेंथ भी हो सकता है या फिर कॉर्ड लेंथ भी हो सकता है। दोनों डेफिनेशन इस्तेमाल किए जाते हैं, वो अलग अलग रेलवे के द्वारा वो अपने मतलब वो इस्तेमाल करते हैं कि आपका कॉर्ड लेंथ इस्तेमाल करना है या फिर आर्क लेंथ इस्तेमाल करना है। लेकिन रेलवे में जो है आपका रेडियस बहुत ज़्यादा बड़ा होता है जिसकी वजह से कॉर्ड के लेंथ में और रेडियस के लेंथ में ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है। तो इस कारण हम लोग कोई दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेनली हम लोग कॉर्ड डिफरेंशन का ही इस्तेमाल करते हैं। तो कॉर्ड डिफरेंशन का डिफरेंशन क्या है कि आपका अगर वन चेन लेंथ ये कॉर्ड है तो उसके थ्रू आपके सेंटर पर कितना एंगल बन रहा होगा, जो भी एंगल बन रहा होगा वो कहलाएगा डिग्री ऑफ कर्व, ठीक है। तो रेलवे जो है ब्रिटिश का दिया हुआ है, तो ब्रिटिश में हम लोग फुट पॉइंट सेवन का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें जो ब्रिटिश का जो चेन लेंथ होता था वो होता है 100 फीट का, ठीक है। तो 100 फीट का होता है चेन लेंथ, जिसको इंजीनियर्स चेन भी कहते हैं। तो इसका जो अगर मीटर में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा आपका 30.5 मीटर। तो 30.5 मीटर का अगर ये कॉर्ड है तो उससे आपका एंगल कितना बन रहा है वो हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो आपका होता है 2πr, ठीक है। तो 2πr एक सर्कल का सर्कमफेरेंस है, तो वो आपका लेंथ को कवर करने के लिए आपको पूरा एंगल कवर करना पड़ता है 2π का, मतलब 360 डिग्री का। तो 2πr लेंथ है वो 360 डिग्री का एंगल सबस्टेंड करता है सेंटर पे। तो 30.5 मीटर का अगर कॉर्ड या आर्क होता है तो वो कितना एंगल सबस्टेंड करेगा आपके सेंटर पे वो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं कि 2πr में आपका 360 डिग्री इस्तेमाल होता है। तो 31 में कितना होगा, 360 बाई फाइव बाई 2πr, 30.5 डिग्री में कितना मीटर में क्या होगा, वो इस तरह से इस फॉर्मूले पे हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो वो आ जाएगा 1750 डिवाइडेड बाई आर। तो डिग्री ऑफ कर्व जो है उसका जो फॉर्मूला होता है डी का वैल्यू जो होता है वो है 1750 डिवाइडेड बाई आर रेडियस से। लेकिन अगर आप 30 मीटर का चेन इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1750 की जगह पर 1719 भी ये वैल्यू आता है अगर आप चेन लेंथ 30 मीटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो। अगर इसलिए आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कहीं पे आता है कि 1719 बाई आर ऑप्शन में है तो आप ये भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो अब डिस्कस करते हैं कि आपके कर्व की वजह से रेलवे ट्रैक में क्या क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो आपका जो पहला इफेक्ट है, वेन स्पीड रेस्ट्रिक्शन इज प्रोवाइड एट कर्व इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज स्पीड ऑफ लोकोमोटिव। मतलब कि आपका जो रेल लोकोमोटिव है मतलब इंजन है तो उसमें आपको स्पीड को चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि आपको ब्रेक लगाना पड़ता है या फिर एक्सेलेटर इस्तेमाल करना पड़ता है स्पीड को चेंज करने के लिए। लेकिन तो इसलिए लेकिन कर्व में आपका है तो आपको कर्व में आपको स्पीड चेंज करनी पड़ेगी, तो ये थोड़ा आपको टफ होता है। नेक्स्ट है मोर पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन ऑन डीरेलमेंट। अगर कर्व है तो आपको जैसे ट्रेन आगे की तरफ मूव कर रहा है तो आग सामने में कोई आपका ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई पेड़ गिर गया है या कोई एनिमल पास कर रहा है, वो आपको क्लियरली दिखाई नहीं देगा, जिसकी वजह से कोलिजन डीरेलमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड, मतलब कि कोई भी रेलवे ट्रैक पर अगर रेल मूव कर रहा है तो कर्व पे होता क्या है कि आपका कर्व के आउटर साइड में सेंट्रिफ्यूगल फोर्स एक्ट होता है। सेंट्रिफ्यूगल फोर्स एक्ट होने की वजह से जो इंजन को या रेल को ओवरटर्न करने की कोशिश करेगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पे आउटर व्हील पर बहुत ज़्यादा लोड आता है, जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड्स होते हैं। फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ कर्व एक्स्ट्रा फिटिंग आर रिक्वायर्ड, तो आपके कर्व्स पर आपके जो व्हील के मूवमेंट से जो एक्स्ट्रा फोर्स आता है उससे बचने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा फिटिंग की जरूरत पड़ती है, तो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ा सकता है। नेक्स्ट है, फॉर स्मॉलर रेडियस एंड हायर डिग्री ऑफ कर्व व्हील बेस आर मेक कॉर्ड ऑन कर्व। इसका मतलब ये है कि अगर आपका रेडियस कम है और आपका हायर डिग्री ऑफ कर्व है, मतलब रेडियस कम है, तो इस केसेस में जो रेल की बॉगीज हैं अगर वो मूव करेंगे तो एक तरह से कॉर्ड बना देते हैं किसी भी कर्व पे, तो जो कि आपके चांसेस होते हैं इसकी वजह से डिलेमेंट होने चांसेस बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, फॉर हायर डिग्री ऑफ कर्व हॉलिंग रेसिस्टेंस इज मोर, मतलब कि व्हीकल पूरे रेल ट्रैक रेल को आप जब हॉल कर रहे हैं, खींच रहे हैं किसी रेलवे के कर्व पे, तो हो सकता है कि कर्व होगा तो उसमें जो है जो व्हील है वो आपके रेल से बहुत ज़्यादा वियर होता है, रब होता है, जिसकी वजह से हॉलिंग रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, मतलब कि जो पीछे जो है फ्रिक्शन है वो बढ़ जाएगा, तो आप ज़्यादा लोड आप कर्व पे नहीं खींच पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है अगर स्लोप है तो स्लोप में भी आपका कर्व प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी आपका ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इसलिए हम लोग ये कोशिश करते हैं कि कर्व को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कर सके या फिर हायर रेडियस का कर्व हम लोग प्रोवाइड करें। तो जो रेडियस का जो लिमिटेशंस है कर्व में, वो ब्रॉड गेज के लिए है, आपका जो जितना रेडियस आपका ज़्यादा हो उतना बेटर होता है, और जितना डिग्री ऑफ कर्व है वो कम हो उतना अच्छा होता है। तो हम लोग जो है मैक्सिमम 10 डिग्री तक इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपका डिग्री जितना कम हो उतना आपका अच्छा है, ग्रेडी ज़्यादा बढ़ सकता है। ब्रॉड गेज के लिए तो ब्रॉड गेज के लिए 10 डिग्री है, मीडियम गेज के लिए 16 डिग्री है, और नैरो गेज के लिए 14 डिग्री आपका मिनिमम डिग्री है, और आपका उसी तरह मैक्सिमम डिग्री होगा, और फिर उसी तरह टर्नआउट के लिए ये वैरी करता है। नेक्स्ट मूव करते हैं कांट और सुपर एलिवेशन पर, मतलब कि हाईवे में हम लोग इसको जनरली बोलते हैं सुपर एलिवेशन, और इसमें बोलते हैं रेलवे में बोलते हैं इसको कांट। ठीक है, इट इज़ द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन द आउटर एंड इनर रेल ऑफ एफ ए कर्व, इट इज़ प्रोवाइडेड ग्रेजुअली रेजिंग द आउटर रेल अबव द लेवल इन इनर रेल, मतलब कि जो आउटर रेल है कर्व में, कर्व इस तरह से मूव कर रहा है, कर्व इस तरह कर्व हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में वो टर्न हो रहा है तो ट्रैक, तो उस केसेस में क्या होगा कि हम लोग आउटर रेल जो है उसको हम लोग धीरे धीरे राइज करते हैं, और जितना अमाउंट में राइज कर देते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कांट और सुपर एलिवेशन। द इनर रेल ऑल्सो नॉन एज ग्रेडियंट रेल इज टेकन एज द रेफरेंस रेल एंड इज नॉर्मली मेंटेन एट इट्स ओरिजिनल लेवल, तो इनर रेल को हम लोग फिक्स रखते हैं और उसको रेफरेंस मांग चलते हैं, इसी के रेस्पेक्ट में हम लोग आउटर रेल को हम लोग एलिवेट करते हैं और उसके कांट को मेजर करते हैं। तो मेन फंक्शन ऑफ द सुपर एलिवेशन आर फॉलोइंग, तो क्या क्या फंक्शन, क्या क्या बेनिफिट होता है कांट प्रोवाइड करने से, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने से, उसको डिस्कस कर लेते हैं। टू इंश्योर ए बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड ऑन बोथ रेल, तो अगर इस तरह का हम लोग कांट प्रोवाइड करते हैं किसी रेलवे ट्रैक पर, तो होता ये है कि जो आपका एक्स्ट्रा लोड लग रहा था आउटर व्हील पर वो कम हो जाता है, और आपको जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन बेटर हो जाता है पहले से। टू रिड्यूस द वियर टियर ऑफ द रेल एंड ट्रॉलिंग स्टॉक, जो आपका बॉगी कोचेज हैं उसके व्हील्स है, जो उसका वियर टियर होने वाला था पहले बिना कांट के, वो आपका धीरे इससे कम हो जाता है। ठीक है, लेटरल फोर्सेस को, क्योंकि हम लोग सेंट्रिफ्यूगल फोर्स जो आउटर ट्रैक्स में लग रहा होता है उसको हम लोग काउंट्रैक्ट कर रहे होते हैं उसके वेट से। टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ लेटरल फोर्सेस, जिसे मैंने बताया था कि सेंट्रिफ्यूगल फोर्सेस को हम लोग काउंट्रैक्ट करते हैं उसके वेट से, तो हम लोग का ये जो है लेटरल फोर्स का हम लोग न्यूट्रलाइज कर पाते हैं। टू प्रोवाइड कम्फर्ट टू पैसेंजर्स, तो अगर रेल जो है वो ट्रेन है जो कर्व पे मूव करेगा, तो उसकी वजह से जो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स आएगा उसका इफेक्ट पैसेंजर्स पर भी आता है, तो उसको कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए अगर हम लोग इस तरह का एलिवेट करते हैं तो इसका बेनिफिट भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हम लोग का डेरिवेशन कैसे करेंगे,
तो जिस तरह की हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग में करते हैं उस तरह इसमें भी हम लोग सिमिलर ही करते हैं। तो सिमिलर थोड़ा डिफरेंस क्या है इसमें हाईवे से, वो चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि रेल आपका कर्व में मूव कर रहा है और हम लोगों ने सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया है, तो हॉरिजॉन्टल कर्व आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है, वर्टिकल डायरेक्शन में आपका एक्ट करता है वेट। तो अगर जो रेल का मूवमेंट है वर्टिक, मतलब रेल के लेटरल जो मूवमेंट है वो आपके रेल ट्रैक के अलॉन्ग ही होगा, तो उस डायरेक्शन में अगर हम लोग फोर्सेज कंपोनेंट लें तो यहाँ पे एफ कॉस थीटा हो जाता है और वेट का कंपोनेंट हो जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा। तो इस केस में अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो रोलिंग स्टॉक है, रेल कोच बोगी जो भी है, वो आपका स्टेबल रहे, तो आपको दोनों फोर्सेज को इक्वल करना पड़ेगा तभी ये स्टेबल रहेगा। तो डब्ल्यू साइन थीटा इक्वल टू एफ कॉस थीटा हम लोग को करना पड़ेगा। तो डब्ल्यू का वैल्यू जो हम लोग जानते हैं mg होता है, और F जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है mb स्क्वायर बाई r। तो यहाँ पे mm कैंसिल कर देंगे और साइन डिवाइड बाई कॉस थीटा करेंगे, टेन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला मिलता है टेन थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर बाई जी आर। नेक्स्ट है टेन थीटा जो स्लोप है वो होता है e बाई जी। ई मतलब हो गया ये वर्टिकल डिस्टेंस और g हो गया आपका गेज लेंथ, ठीक है। तो e बाई जी इक्वल टू बी स्क्वायर बाई जी आर। तो e इक्वल टू लिख सकते हैं जी बी स्क्वायर बाई जी आर। तो यहाँ पे जो अगर ग्रेविटी g को हम लोग वैल्यू रखते हैं 9.8, और जो v का वैल्यू जो हम लोग किलोमीटर पर आवर्स में रखते हैं, तो अगर हम लोग को निकालना होगा e का वैल्यू mm में, तो हम लोग इसका फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हम लोग आपको याद रखना पड़ेगा जी बी स्क्वायर डिवाइड बाई 127 आर, जहाँ वी जो है किलोमीटर पर आवर में है, आर है मीटर में, और ई का वैल्यू जो आएगा वो आएगा मिलीमीटर में। तो यहाँ पे बस आपको ध्यान देना पड़ेगा जो जी है, जो कि आपका गेज लेंथ है, वो गेज लेंथ क्या होता है, वो होता है रेल के बीच का इनर टू इनर डिस्टेंस। पर रेल व्हील तो आपका कहाँ पर है, रेल पे है, तो उसका रेल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमको चाहिए होता है। तो हम लोग जी का वैल्यू, हम लोग जो एक्चुअल जी होता है वो नहीं लेंगे, गेज लेंथ हैगा होता है वो नहीं लेंगे हम लोग, वो एक्स्ट्रा गेज लेंथ लेते हैं जिसको बोलते हैं डायनेमिक गेज। तो ब्रॉड गेज के लिए जो गेज लेंथ 1676 mm होता था, तो हम लोग इसको लेंगे 1750 mm, मीटर गेज के लिए 1058 mm लेंगे, ठीक है। तो ये आपको ये दोनों टर्म याद करने पड़ेंगे आपको फर्दर, आपको जो भी न्यूमेरिकल सुनाने हैं उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है मैक्सिमम कांट। मैक्सिमम कांट जो है मैक्सिमम सुपर एलिवेशन mm में हम लोग ब्रॉडगेज में ग्रुप ए टाइप के जो रेलवे ट्रैक्स है उसमें हम लोग प्रोवाइड करते हैं 165 mm, और अगर आपको कोई स्पेशल केसेस है तो आप चीफ इंजीनियर के परमिशन से आप 185 mm इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली BC जो है ट्रैक पर 165 का इस्तेमाल करते हैं, और फर्दर हम लोग एक्स्ट्रा नहीं इंक्रीज करते हैं सुपर एलिवेशन। और DE में 140 है, और मीटर गेज में 90, 165, 75, ये आपके कांट के वैल्यूज हैं। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम स्पीड ऑफ प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन। तो द अमाउंट ऑफ सुपर एलिवेशन दैट इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन कर्व डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन, बट ऑल्सो ऑन द एवरेज स्पीड ऑफ गुड्स ट्रैफिक मूविंग ऑन द दैट सेक्शन। तो जो आपका सुपर एलिवेशन है, ई का वैल्यू जो है ई आपका यहाँ पे वो डिपेंड करता है जी बी और आर पर। गेज लेंथ आपका फिक्स होता है, वेलोसिटी वो आपका वैरी करता है, रेडियस जो है वो फिक्स होता है। तो वी का जो है जो वेलोसिटी है, हम लोग को कौन सी वेलोसिटी लेनी पड़ेगी ये आपके रेलवे ट्रैक के डिजाइन के लिए, वो डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है। मतलब कि एक ही रेल ट्रैक है, एक ही रेल ट्रैक पर आपके एक्सप्रेस ट्रेन भी मूव करेंगी, सुपर फास्ट ट्रेन भी मूव करती है, और जो गुड्स ट्रेन है, जो मालवाहक ट्रेन है, वो भी मूव करती है। तो हम लोग कौन सी वेलोसिटी चूज करनी है वो थोड़ा टफ होता है। तो वो उसके लिए हम लोग को एक ऐसी स्पीड चाहिए होती है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग ये कांट को डिजाइन करें, तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्पीड। जी आप हाईवे इंजीनियरिंग में भी पढ़ा होगा आपने कि हम लोग हाईवे में इंजीनियरिंग में जो आपका अगर मिक्स ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा मिक्स ट्रैफिक है, तो आपके उसी रोड पर आपका बसेस भी चलेंगी, कार्स भी चलेंगी, आपके बैलगाड़ी भी चलेगी। तो उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि मैक्सिमम स्पीड का 75% हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सिमिलरली इसमें भी जो पुराना जो प्रोविज़न था उसमें भी हम लोग वैसे ही करते हैं कि हम लोग जो
पूरा जो मैक्सिमम स्पीड से व्हीकल मूव करता है उसका 75% इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ए कम्प्रोमाइज हैज़ टू बी अचीव बाई प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन इन वे दैट फास्ट ट्रेन स्मूथ रन स्मूथली विदाउट कॉजिंग एनी डिस्कम्फर्ट टू पैसेंजर्स एंड स्लो ट्रेन रन सेफली विदाउट फियर ऑफ डीरेलमेंट ड्यू टू एक्सेसिव सुपर एलिवेशन। तो हम लोग को दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा, फास्ट ट्रेन को भी और स्लो ट्रेन को भी। तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजन है पहले का वो डिस्कस कर लेते हैं कि वेन मैक्सिमम सेक्शन स्पीड ऑफ द सेक्शन इज 50 किलोमीटर पर आवर, अगर आपका जो ट्रैक है उस ट्रैक पर आप अगर स्ट्रेट ट्रैक होता है तो अगर मैक्सिमम आप जो स्पीड मूव कर सकते हैं वो अगर 50 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होता है तो हम लोग जो इक्विलिब्रियम स्पीड है वो लेते हैं मिनिमम लेते हैं 3/4 ऑफ द मैक्सिमम सेक्शन स्पीड। मतलब कि अगर उस ट्रेन ट्रैक पर आपका 80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से आपका अलाउ है आपको ट्रेन को मूव कराना तो उसका 75% या फिर 50 किलोमीटर पर आवर और सेफ स्पीड ऑफ कर्व तीनों में से जो मिनिमम होगा वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज ए इक्विलिब्रियम स्पीड। सिमिलरली जो आपका है मैक्सिमम सैंक्शन स्पीड अगर 50 से कम होता है तो उस केसेस में हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं मैक्सिमम सैंक्शन स्पीड और सेफ स्पीड में से जो आपका लेस हो वो इस्तेमाल करते हैं हम लोग एज ए इक्विलिब्रियम स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट है रिवाइज स्टैंडर्ड। तो अब जो है अब के सिचुएशन में हम लोग पुराना मेथड है वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, अब हम लोग का वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर, उसको डिस्कस कर लेते हैं। एज द रिवाइज स्टैंडर्ड द चीफ इंजीनियर शुड डिसाइड द इक्विलिब्रियम स्पीड दैट वुड बी रिक्वायर्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द कांट टू बी प्रोवाइडेड ऑन ए कर्व आफ्टर केयरफुल डिलिब्रेशन एंड टेकिंग इंटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग फैक्टर। तो अब ये सारी जो पावर है कि कितना आपका सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना चाहिए, किसको आपको इक्विलिब्रियम स्पीड मानना चाहिए, उसका पावर दे दिया गया है चीफ इंजीनियर्स को, जो कि आसपास के जो बहुत सारे कंडीशन बहुत सारे फैक्टर्स है उसको ध्यान में रख के वो डिसाइड करता है। तो वो क्या क्या फैक्टर्स हैं, द मैक्सिमम परमिशिबल स्पीड विच कैन एक्चुअली बी अचीव्ड बोथ बाई फास्ट ट्रेन एंड बाई गुड स्ट्रेंथ। मतलब कि उस रेलवे ट्रैक को जो डिजाइन किया गया है, मतलब कि आपके जो रेलवे ट्रैक जो है उसमें जो है उसका जो रेल में जो रेल प्रोवाइड किया गया है उसका वेट कितना है, वो कितना मैक्सिमम स्पीड को वो बेयर कर सकता है उसको बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम सैंक्शन स्पीड। उसका सैंक्शन स्पीड कितना है, परमानेंट एंड टेम्प्रेरी स्पीड रिस्ट्रिक्शन कैसा है, मतलब कि आसपास किसी तरह का मतलब मार्शलैंड है नहीं है क्या नहीं है, किस तरह का वैली है या किस तरह कुछ इस तरह का स्पीड रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। नंबर ऑफ स्टॉपेज कितना है, दो ट्रेन के दो पॉइंट लोकेशंस के बीच में अगर आपका रेल मूवमेंट हो रहा है तो उसमें अगर बहुत सारे स्टॉपेज हैं तो आपको उतना स्पीड इंक्रीज करने का चांस ही नहीं मिलेगा। तो उस केस में आपका जो है इक्विलिब्रियम स्पीड हम लोग कम रख सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेडियंट कैसा है, अगर आपका स्लोप ज़्यादा हुआ तो उस केसेस में भी हम लोग को स्पीड कम ही रखना पड़ेगा, तो भी उस केसेस में हम लोग का जो भी इक्विलिब्रियम स्पीड है उसको कम ही रखते हैं। तो नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ बोथ स्लो एंड फास्ट ट्रेन्स। अब ये भी ध्यान देना पड़ता है कि उस ट्रैक पर मैक्सिमम कौन से ट्रेनें मूव करती हैं, वो ट्रेनें आपके गुड्स ट्रेनें हैं या पैसेंजर ट्रेनें हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के ही हम डिसाइड करते हैं कि आपका इक्विलिब्रियम स्पीड क्या होना चाहिए। नेक्स्ट है तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये जो है कि अगर हम लोगों ने किसी एक फिक्स्ड स्पीड पर हम लोगों ने डिजाइन कर दिया, हम लोगों ने रेल ट्रैक को एक फिक्स स्पीड पर डिजाइन कर दिया जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्पीड, वी इक्वल टू वी सी रखते हैं हम लोग स्पीड है, तो उस केसेस में तो वी सी जो है आपका है इक्विलिब्रियम स्पीड। ठीक है, तो उस पर हम लोगों ने एक कांट प्रोवाइड कर दिया ई, जिसको हम लोग बोलते हैं ई प्रो, ई प्रोवाइडेड हम लोग कांट प्रोवाइड कर चुके हैं। तो उस केस में अगर जब कोई व्हीकल इक्विलिब्रियम स्पीड से मूव करेगा तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्पीड से मूव करेगा तो उसमें जो भी आपके फोर्सेस आएंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एफ, वो डिपेंड करता है वी पर, डब्ल्यू आपका कांस्टेंट है, साइन थीटा कांस्टेंट है, कॉस थीटा कांस्टेंट है, तो आपका सिर्फ यहाँ वेरी क्या कर रहा है, एफ कर रहा है जो कि है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि डिपेंड करता है वेलोसिटी पर। तो अगर वेलोसिटी आपका इक्विलिब्रियम स्पीड के बराबर है तो उस केस में एफ कॉस थीटा साइन थीटा के बराबर होगा, तो ये
पूरा तरह से स्टेबल रहेगा, उस ट्रेन में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, तो ये हम लोग का बेनिफिट मिलता है। लेकिन अब है कि आपके पास जो सुपर फास्ट ट्रेनें हैं वो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, तो उसमें केस में जो आपका इक्विलिब्रियम स्पीड से ज़्यादा ट्रैक पर आपका जब हाई स्पीड में ट्रेन मूव करेगी तो क्या होगा, तो उसमें जो रिक्वायर्ड होगा कांट का, जितना आपको एक्सेलरेशन की ज़रूरत होगी वो आपको नहीं मिलेगी, मतलब कि आपको जो रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा आप प्रोवाइड कम किए हैं, तो होगा क्या यहाँ पे एफ की वैल्यू बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ने की वजह से डब्ल्यू सी की वैल्यू कम रहेगी, तो व्हीकल्स पर एक्स्ट्रा फोर्स आएगा आउटर की तरफ, तो आउटर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे फ्लेंज थोड़ा सा एक्ट करता है, तो एक लिमिट तक फ्लेंज आपका बियर कर लेगा या फ्रिक्शन ब्रेक कर लेगा, तो वो कितना बियर कर सकता है उसको बोलते हैं हम लोग कि उसी का इस्तेमाल करके हम लोग इस्तेमाल डिजाइन करते हैं फर्दर, ठीक है। तो फिर हम लोग जो सुपर फास्ट ट्रेनें हैं उसकी जो कांट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, प्रोवाइड कम किया गया है, तो उसमें क्या है कांट की डिफिशियंसी है, सुपर एलिवेशन जो प्रोवाइड करना चाहिए उसकी डिफिशियंसी है, तो वो डिफिशियंसी जितना हम लोग के पास वो ट्रैक बियर कर सकता है उस अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड करते हैं, तो कांट डिफिशियंसी हो गई आपकी जो रिक्वायर्ड है माइनस प्रोवाइडेड, जो हमको ज़रूरत थी पर हम प्रोवाइड क्या किया गया है उसका जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं कांट डिफिशियंसी। नेक्स्ट है कि अगर हम लोग गुड्स ट्रेन मूव करा रहे हैं तो उसकी स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो एफ की वैल्यू कम होगी, एफ की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा कि आपका यहाँ पे वेट ज़्यादा डोमिनेंट होगा, वेट डोमिनेंट होगा तो डब्ल्यू सैन थीटा का वैल्यू ज़्यादा होगा, तो उस केस में ये पीछे की तरफ नीचे की तरफ आपका फोर्स एक्ट करेगा, तो उस केस में आपका जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो उसके अपोजिट लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ भी एक्ट करता है और ये आपका ट्रेन को अनस्टेबल होने से बचाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इस तरह के इसके डेरिवेशन में फ्रिक्शन फोर्स को ज़्यादा कंसिडर नहीं करते हैं सुपर एलिवेशन के डिजाइन में, हम लोग का इसका बाद में इस्तेमाल करते हैं कांट डिफिशियंसी और कांट एक्सेस के केस में। तो इस केस में क्या हो रहा है कि हमको रिक्वायर्ड तो कम था पर हम लोग ज़्यादा प्रोवाइड किया हुआ है, तो इस केस में कांट जो है सुपर एलिवेशन है वो एक्सेस हो गया है, तो हम लोग का जो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया गया है और जितना रिक्वायर्ड था उसका जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं कांट एक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, तो कांट डिफिशियंसी को हम लोग कह सकते हैं कांट डिफिशियंसी ऑकर्स व्हेन ए ट्रेन ट्रेवल्स अराउंड ए कर्व एट हायर देन द इक्विलिब्रियम स्पीड, इट इज डिफरेंस बिटवीन थियोरेटिकल कांट रिक्वायर्ड फॉर सच हाई स्पीड एंड द एक्चुअल कांट प्रोवाइडेड, तो हम लोग का जितना हम लोग का रिक्वायर्ड है उस माइनस उसके जो एक्चुअल प्रोवाइड कर रहे हैं उसका जो डिफरेंस है वो कांट डिफिशियंसी कहलाएगा, और जितना कि अगर हम लोग स्पीड जो ट्रेन का स्पीड है वो इक्विलिब्रियम स्पीड से कम है तो उस केसेस में जो हमारा जो रिक्वायर्ड है कांट और थ्योरेटिकल कांट का जो है उसका जो डिफरेंस कहलाएगा वो कहेगा कांट एक्सेस, तो कांट डिफिशियंसी है, तो यहाँ पे कांट डिफिशियंसी है या फिर कांट एक्सेस है, दोनों जो भी प्रोवाइड करते हैं तो वो परमिसिबल स्पीड से हम लोग का डिफर करता है, तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि हायर कांट है तो हायर कांट डिफिशियंसी की वजह से आपका ग्रेटर डिस्कम्फर्ट टू पैसेंजर्स हो सकता है, हायर कांट डिफिशियंसी लीड टू ग्रेटर अनबैलेंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इन विच इन टर्न लीड्स टू द रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रॉन्गर ट्रैक एंड फास्टनिंग टू विदस्टैंड द रिजल्टेंट ग्रेटर लिटरल फोर्सेस, तो आपको उस केसेस में आपको जो है कि उसको बैलेंस करने के लिए आपको हायर आपको रिक्वायरमेंट होगा फास्टनिंग के लिए, मतलब कि आपको ट्रैक को इजी अच्छी तरह से फास्टनिंग करनी पड़ेगी उसमें, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिफेक्ट भी आ सकती है अनबैलेंस्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, ठीक है। तो अब चलते हैं कि क्या क्या हमारा लिमिटेशन है, तो हम लोग ब्रॉड गेज में ए बी के लिए 75 mm तक हम लोग कांट डिफिशियंसी प्रोवाइड कर सकते हैं, और जबकि कांट एक्सेस है हम लोग का मीटर गेज में 50 और 40 mm हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक दो तीन टर्म और होता है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, जो कि आगे फर्दर डिजाइन के लिए इस्तेमाल की जाएगी। फर्स्ट नेक्स्ट है आपका कांट ग्रेडियंट और कांट डिफिशियंसी ग्रेडियंट, तो एक्चुअली ये है कि जो कांट है सुपर एलिवेशन है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं कर्व पे, ठीक है, यहाँ पे कर्व है तो कर्व में हम लोग प्रोवाइड करेंगे कांट को, तो यह स्ट्रेट क्या होगा कि आपका
लेवल सेम रहेगा, दो रेल के बीच का लेवल सेम रहेगा और यहाँ पे थोड़ा सा हायर रहेगा। तो हम लोग सडनली हम लोग आउटर रेल को हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते, उसका एलिवेशन इंक्रीज नहीं कर सकते, कुछ टाइम चाहिए। तो कुछ टाइम चाहिए या कुछ डिस्टेंस चाहिए हम लोग को ग्रेजुअली इंक्रीज करने के लिए। तो वो जो है ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं हम लोग ट्रांजिशन कर्व में। ट्रांजिशन कर्व जो है बी सी सेक्शन है आपका या डी ई सेक्शन है, वो है आपका ट्रांजिशन कर्व का, जो कि आपने हाईवे इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, हाईवे इंजीनियरिंग या सर्वे एडवांस सर्वे में पढ़ा होगा। तो होता ये है कि हम लोग धीरे धीरे इसका रेडियस को हम रिड्यूस करते हैं ट्रांजिशन कर्व के, और आपका जो सुपर एलिवेशन जो कांट है उसको इंक्रीज करते हैं। तो किस रेट से हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं उसको बोलते हैं कांट ग्रेडियंट। और डिफिशियंसी है तो कांट की डिफिशियंसी भी हम लोग धीरे धीरे ही इंक्रीज करते हैं, तो उसको भी हम बोलते हैं कांट डिफिशियंसी ग्रेडियंट। दिस इंडिकेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन द कांट और द डिफिशियंसी ऑफ कांट इन गिवन लेंथ ऑफ अ ट्रांजिशन। ए ग्रेडियंट इन वन इन थाउजेंड मीन्स दैट ए कांट और ए डिफिशियंसी ऑफ कांट ऑफ वन एम एम इज अटेंड और लॉस्ट इन एवरी थाउजेंड एम एम ऑफ ट्रांजिशन कर्व। अगर आपका दिया हुआ है कि आपका कांट ग्रेडियंट वन इन थाउजेंड है, मतलब कि थाउजेंड एम एम डिस्टेंस बढ़ने पर आप वन एम एम डिस्टेंस कांट में प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर इसका कांट डिफिशियंसी ग्रेडियंट अगर वन इन थाउजेंड है, मतलब कि वन थाउजेंड ग्रेडियंट मूव करने के बाद आप कांट को वन एम एम डिफिशियंट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह एक दो टर्म है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ कांट और कांट डिफिशियंसी। दिस इज द रेट एट विच डिफिशियंसी इंक्रीज वाइल पासिंग ओवर द ट्रांजिशन कर्व। ए रेट ऑफ 30 एम एम पर सेकेंड मीन्स दैट ए व्हीकल विल एक्सपीरियंस अ चेंज इन कांट और कांट डिफिशियंसी ऑफ 30 एम एम इन सेकेंड इन ईच सेकेंड ऑफ ट्रैवल ओवर द ट्रांजिशन वाइल ट्रैवलिंग एट मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड। तो रेल ट्रैक पर अगर आप मूव कर रहे हैं रेल ट्रैक पर, तो ये आपका जो कांट है जिस तरह यहाँ प्रोवाइड किया गया हम लोग की, यहाँ पर धीरे इंक्रीज कर रहे हैं कांट को, यहाँ मैक्सिमम अचीव किया गया है, फिर धीरे कांट को रिड्यूस कर रहे हैं। तो होता ये है कि आपका जो रेल ट्रैक का एलिवेशन बढ़ रहा है, आउटर रेल का एलिवेशन बढ़ रहा है कर्व के टाइम में, तो आपका अगर अचानक से बहुत ज़्यादा अमाउंट बढ़ने लगेगा एक कम टाइम में, तो होता है कि पैसेंजर्स को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। तो उस केसेस में जो ये एक्सपेरिमेंटली चेक किया देखा गया है कि 30 mm पर सेकेंड, एक सेकेंड में 30 mm का कांट इंक्रीज करता है, मतलब व्हीकल पास कर रहा है, तो व्हीकल को पास करने पे अगर एक सेकेंड में जितना डिस्टेंस पास किया है उस डिस्टेंस में अगर 30 mm कांट का इंक्रीज हुआ है या फिर कांट डिफिशेंसी इंक्रीज हुई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, उससे ज़्यादा होगी तो प्रॉब्लम आएगी। तो इसको बोलते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ कांट और कांट डिफिशियंसी, मतलब कि पर सेकेंड हम लोग कितना कांट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ वैल्यूज हैं, लिमिटिंग वैल्यूज हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा कि आपका कौन कौन से पैरामीटर्स का कितना मैक्सिमम वैल्यू हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैक्सिमम डिग्री 10 डिग्री प्रोवाइड कर सकते हैं, 16 डिग्री कांट जो है 65, 140 इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रॉडगेज के लिए। मैक्सिमम कांट डिफिशियंसी क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, कांट एक्सिस क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, मैक्सिमम कांट ग्रेडियंट 1:720 प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें डिजाइन में इस्तेमाल की जाएंगी, और आप ड्रॉ आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको ये बहुत सारी टर्म्स आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीड्स के बारे में, कि मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड हम लोग कैसे अचीव करते हैं और कैसे हम लोग उसको निकालते हैं। उस पर ही बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आपके बेस्ड होते हैं। ओके, थैंक यू।